यू चाहिए फ्री फायर इंडिया। क्या वजह है हमारी फ्री फायर इंडिया को जाने की? जब तक हमें वजह है या रीजन नहीं पता होंगे, जब तक हमारा कुछ फायदा नहीं है फ्री फायर के लिए। जो भी हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं गरीना से, हम उन्हें गालियाँ दे रहे हैं प्रोफाइल पे जाते हैं, मगर जब तक हमें रीजन के बारे में नहीं पता होगा तो हम अच्छे से फ्री फायर इंडिया को नहीं ला पाएंगे। तो आज मैंने तो वीडियो में रीज़न बताने वाला हूँ। रीज़न तो बहुत सारे हैं दोस्तों, मगर सबसे बड़े तीन रीज़न हैं जो कि मुझे पता है और अच्छे भी हैं, सब एग्री करेंगे इस रीज़न पर। तो पहला सबसे बड़ा रीज़न ये है ई स्पोर्ट। हाँ दोस्तों, 2024 में जैसे ही ई स्पोर्ट हमारे ग्रो कर रहे हैं, जिसमें हमें फ्री फायर इंडिया के बारे में कुछ नहीं पता, जिसे हम 4 साल से खेल रहे हैं गेम, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। हम चाहते हैं उसमें हम ई स्पोर्ट टीम भी करें, हम टूर्नामेंट खेलें ज़्यादा से ज़्यादा, मगर उसमें हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो जबकि वर्ल्ड सीरीज़ खेली जा रही है फ्री फायर की, मगर उसमें हमारी इंडिया का नेम नहीं है, तो हम उसके लिए अपना फ्री फायर इंडिया चाहते हैं। हर किसी बंदे का यही जवाब है कि तुम्हें फ्री फायर इंडिया क्यों चाहिए? तो हाँ भाई, हमें फ्री फायर इंडिया चाहिए ई स्पोर्ट्स के लिए। अगर ई स्पोर्ट होंगे तो हमें फ्री फायर इंडिया चाहिए। जितने जितनी फ्री फायर इंडिया आएगा, उतनी जल्दी हमें ई स्पोर्ट खेलने का मौका मिलेगा। और एक बात और कहूँ, अगर इंडिया में फ्री फायर इंडिया आता है जल्दी से जल्दी, तो ई स्पोर्ट को एक और सहारा मिल जाएगा, जिससे हमारे इंडिया में और ज़्यादा ग्रो करेगा। दूसरा और सबसे बड़ा रीज़न जो है दोस्तों, वो है इंडियन गवर्नमेंट। हाँ दोस्तों, अगर फ्री फायर इंडिया आता है तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट को, मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है, उसे एक और सहारा मिल जाएगा। मतलब जितना भी हम टॉपअप करते हैं, जितना भी हम सामान खरीदते हैं, या जितने भी बंदे फ्री फायर इंडिया खेलेंगे, वो सारा का सारा प्रॉफिट हमारी डायरेक्टली गवर्नमेंट को ही जाएगा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट हमारी टूर्नामेंट्स करवाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा फ्री फायर इंडिया को ज़्यादा सपोर्ट करेंगी, ई स्पोर्ट को ज़्यादा सपोर्ट करेगी, और हमें फ़ायदा होगा कि हमें और ज़्यादा मौके मिलेंगे ई स्पोर्ट खेलने के, टूर्नामेंट्स खेलने के एंड नई नई चीज़ें लेने के। हाँ, ये भी हो सकता है कि फ्री फायर इंडिया आए तो हमारी जो गरीना है वो है ना इंडिया में अपना सेंटर खोल दे, जैसे कि अलग अलग सर्वर होते हैं उनके वहाँ अलग अलग सेंटर होते हैं, वैसे ही हमारे इंडिया में सेंटर आ जाएगा गरीना का खुद, अगर फ्री फायर इंडिया आता है। हाँ दोस्तों, जब गरीना का सेंटर आएगा इंडिया में, तो गवर्नमेंट भी उसे फुल सपोर्ट करेगी, और बाई चांस हमारे फ्री फायर इंडिया के अंदर कुछ लोचा पानी होता है, प्रॉब्लम होता है, तो हम डायरेक्टली भाई गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं या उस गेमिंग सेंटर से पूछ सकते हैं। हमें बार बार गरीना के प्रोफाइल या चैनल पर जाके सवाल करने नहीं पड़ेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें टूर्नामेंट खेलने को मिलेंगे, और बाई चांस किसी इवेंट में कुछ लोचा पानी होता है तो हम उसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं, वो ज़्यादा चीज़ ईजी हो जाएगी हमारे लिए, जितनी भी हमारी प्रॉब्लम है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी अगर ये सेंटर भी आता है तो। तीसरा और सबसे बड़ा रीज़न होने वाला है दोस्तों, इवेंट्स एंड कलेक्शन। हाँ दोस्तों, जब मैं सोच रहा था तो मैंने एक बार और सोची, यार इवेंट्स एंड कलेक्शन भी तो एक चीज़ है। तुम देखते हो कि दूसरे दूसरे सर्वर में, जैसे ब्राज़ील एंड इंडोनेशिया सर्वर में उनके अलग अलग इंक्यूबेटर होते हैं, अलग अलग मैजिक क्यूब के बंडल्स होते हैं, उनके अलग इवेंट्स होते हैं, मतलब जो उनके सर्वर इवेंट्स चल रहे होते हैं वे उनके खुद के होते हैं, किसी अलग सर्वर के इवेंट्स ज़्यादा नहीं लाते हुए। तो अगर फ्री फायर इंडिया आएगा जो कि ऑफिशियली इंडिया का गेम होगा, तो गवर्नमेंट हमारी ज़्यादातर है ना इंडिया पे ही कलेक्शन लाएगी, इवेंट्स लाएगी, एंड साथ ही साथ कैरेक्टर भी इंडिया के आएंगे। वैसे एक बात और बता दूं कि हमारा जो फ्री फायर इंडिया आ रहा है उसमें हमें थाला ऑफ द रीज़न, मतलब कि MS धोनी का कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा, जो कि हम इसलिए चाहते हैं कि फ्री फायर इंडिया आए और हमारा MS धोनी का कोलैबोरेशन देखने को मिले, ये भी सबसे बड़ा रीज़न है। एंड साथ ही साथ वो चीज़ें भी हो सकती है, अगर हम गवर्नमेंट से ना रिक्वेस्ट करें या गेमिंग सेंटर जो भी गरीना का उधर हो उससे रिक्वेस्ट करें, तो हमें ओल्ड चीज़ें भी वापसी मिल सकती है, ओल्ड फ्री फायर भी हमें वापसी मिलने की संभावनाएँ हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। एंड साथ ही साथ हमारी है ना बहुत सारी चीज़ें वापस भी आ जाएंगी, जैसे इंक्यूबेटर आने के वापसी हो जाएंगे चांस, और साथ में फ्री फायर इंडिया के लास्ट में जो इंडिया नाम आता है वो सिर्फ इंडिया नाम के लिए नहीं है दोस्तों, उसमें क्या होगा कि हमारी कुछ इंडिया की लोकेशन हमें है ना मैप के अंदर देखने को मिलेगी फ्री फायर के। तो हाँ, ऐसे चांसेस हो सकते हैं जैसे फ्री फायर इंडिया आएगा तो कुछ इंडिया की लोकेशन हमें ना मैप के अंदर देखने को मिले इंडिया के फ्री फायर की, जिसमें हमें और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो दोस्तों, इतने ये तीन रीज़न थे सबसे बड़े जो कि ना हम ना फ्री फायर इंडिया लाना चाहते हैं, जिसके लिए हम फ्री फायर इंडिया चाहते हैं। मगर सबसे बड़ा और एक रीज़न यही है कि हम ई स्पोर्ट के लिए कर रहे हैं ये सब चीज़ें, एंड साथ ही साथ इंडिया के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे कोई बड़े रीज़न नहीं है कि हम चाहते हैं कि इवेंट्स आए, ये आए, वो आए, नहीं, हमें ई स्पोर्ट इंडिया का भला चाहिए और कुछ मिले या ना मिले। तो फ्री फायर इंडिया अगर एक बार आ जाएगा तो ई स्पोर्ट और इंडिया दोनों का भला होगा। एंड साथ ही साथ अगर तुम्हारी कोई ई स्पोर्ट टीम है या तुम सोलो खेलते हो, तो तुम अपना कमेंट करो कि तुम सोलो खेलते हो या तुम्हारी कोई ई स्पोर्ट टीम है। एंड अगले वीडियो में ई स्पोर्ट के ऊपर ही बनाऊंगा तो बता देना, और ये भी बताना कि इन तीनों में से कौन सा रीज़न था या इससे अलग कोई रीज़न था तुम्हारा कि तुम फ्री फायर इंडिया चाहते हो या तुम फ्री फायर इंडिया के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो। और मिलते हैं अगली वीडियो।